अस्सलाम वालेकुम, इन्फा चैनल खुश आमदीद। प्रीवियस पेपर्स के एमसीक्यूज़ की दुरुस्ती के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। मुसलसल वीडियोस अपलोड हो रही हैं जिनका ताल्लुक प्रीवियस पेपर्स के साथ है, लेकिन फ़र्क ये है कि मार्केट में जो आपको बुक्स मिलती हैं उनमें सिवाय परवेज़ इकबाल साहब के बाकी तमाम बुक्स ऐसी हैं जिनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है। 80% जो क्वेश्चंस हैं वो दुरुस्त होते हैं, 20% में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन ये प्रीवियस पेपर से रिलेटेड जो मैं की आपको बताऊंगा ये 100% करेक्ट होगी। डिस्कस की हुई है, ये मुख्तलिफ दोस्तों के साथ डिस्कस करके ये मैं की आपके सामने आपको बता रहा हूँ। तो आंखें बंद करके इस की पर यकीन रखिए और अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 70, लर्निंग टू रीड इज़ द कॉम्प्लेक्स। इसका दुरुस्त आंसर होगा बिहेवियर। जी, क्वेश्चन नंबर 71, द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज। जी, तो इसका दुरुस्त आंसर होगा ऑप्शन सी, टू फार्मूलेट अ हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 72, नॉलेज कंप्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन आर ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। दुरुस्त आंसर इसका है ऑप्शन डी, कॉग्निटिव डोमेन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, इंटरेस्ट दैट इज इग्निटेड थ्रू आउटवर्ड फोर्स लाइक अवार्ड्स मॉनेटरी और मटेरियल थिंग्स इज। दुरुस्त आंसर है इसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑप्शन बी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जी, क्वेश्चन नंबर 74, रिसर्च दैट इज़ डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्राम द पास्ट इज़ नाउन एज। तो इसका दुरुस्त आंसर है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल रिसर्च। ये क्वेश्चन नंबर 75, वाट इज़ द मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसमें फीडबैक भी है, इसमें ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन प्लान इन टू स्मॉल यूनिट्स एंड दस गेन मास्टरी ओवर द कॉन्टेंट। ऑप्शन सी है, इट हेल्प्स इन सेल्फ एवेल्यूएशन एंड टीचर बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन देम। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, लिहाजा इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 76, अ पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रेजेंट व्हेन। दोस्तों इसका दुरुस्त आंसर है ऑप्शन बी, टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। दोनों वेरिएबल्स के दरमियान अगर रिलेशन इस तरह से है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐसे सूरत में इनका जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, लिहाजा इसका ऑप्शन जो दुरुस्त है वो ऑप्शन बी है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, हु यूज्ड टू बी नाउन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जी तो इसका दुरुस्त आंसर हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर जो है ये कायद आज़म को कहा गया था, हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर यानी कि सफ़ीर, ये कायद आज़म को कहा गया था। 78, विच वेरिएबल इज़ मेनली इन्फ्लुएंसिंग स्कूल इफेक्टिवनेस। इसका दुरुस्त आंसर है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। दुरुस्त आंसर इसका दोस्तों मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी। जी तो क्वेश्चन नंबर 79, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द कैटेगरी ऑफ द इफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जी तो इसका दुरुस्त आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, वैल्यूइंग। वैल्यूइंग इसका दुरुस्त आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जी क्वेश्चन नंबर 80, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश नॉन परमानेंट मेम्बर्स। जी तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 10 इसके नॉन परमानेंट मेम्बर्स हैं और 5 इसके परमानेंट मेम्बर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। ये क्वेश्चन नंबर 81, विच फिलोसफी इम्फेसिस ऑन दोज करिकुलर एलिमेंट्स विच आर कॉग्निटिव एंड बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड फैक्ट्स। इसका दुरुस्त आंसर है रियलिज़म, रियलिज्म, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, नेम द ओनली फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसका दुरुस्त आंसर है ऑप्शन डी,
डॉक्टर शमशाद अख्तर। ये क्वेश्चन नंबर 83, अ ट्रिलियन हैज हाउ मैनी जीरोज, इसको दुरुस्त डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं, आई विल अप्रिशिएट द टीचर हु, इसका दुरुस्त आंसर ऑप्शन बी है, नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स देम, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त आंसर है। 85, क्वेश्चन नंबर 85, अकॉर्डिंग टू डिटेल टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग एसोसिएशंस इज, इसका जो ऑप्शन दुरुस्त आंसर है वो एलेबोरेशन यानी कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त आंसर है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ, इसके फौरन बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसमें रिमेनिंग एमसीक्यूज होंगे। अल्लाह हाफिज़।